पियरलाइट किस तरीके से बनता है, फेराइट और सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग पियरलाइट बोलते हैं। और इसमें सीमेंटाइट किस तरीके से नज़र आता है, जो ब्लैक कैंडल्स हैं वो सीमेंटाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वाइट कैंडल्स हैं वो फेराइट को हाइलाइट को। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द पियरलाइट लुक्स लाइक। अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ पियरलाइट। न्यूक्लिएशन किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस का बनना। जब भी हम सॉलिडिफाई करते हैं तो सॉलिडिफाई करते समय क्या होता है, धीरे धीरे जो है क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन होना स्टार्ट होते हैं। क्या होता है, धीरे धीरे क्रिस्टल्स का, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द क्रिस्टल्स। और जैसे जैसे रूम टेम्परेचर तक पहुंचता है तो टोटली क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो समझने के लिए इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, दिस इज द लिक्विड स्टेट एंड दिस इज द सॉलिड स्टेट। बस समझने के लिए इतना याद रखो आप। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसका कूलिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कूलिंग इट फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर। धीरे धीरे उसकी जो है कूलिंग कर रहे हैं। अब जब वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे रहेगा तो उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। इसमें कोई क्रिस्टल्स नहीं रहेंगे, टोटली ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लिएशन का फॉर्मेशन होगा या न्यूक्लियाई फॉर्मेट, न्यूक्लियाई क्या होगा, फॉर्म होगा। अब न्यूक्लियाई फॉर्म होगा मतलब क्या होगा, क्रिस्टल्स बिल्कुल अभी स्टार्ट होंगे, बिगिन होंगे, न्यूक्लियस का बनना जस्ट स्टार्ट होगा। अब व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स द क्रिस्टल्स और द सॉलिड पार्टिकल्स। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स बनना चालू हो रहे हैं, उसकी शुरुआत हो रही है। और जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो ये वाले स्टेट में देखो थोड़ा सा यहाँ पे बिगिन हुआ है, थोड़ा फर्दर हमने क्या किया और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो थोड़ा यहाँ पे देखो अब क्वांटिटी बढ़ गई, न्यूक्लियस की जो है क्वांटिटी बढ़ गई। अगेन हमने क्या किया और उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया है, तो इस तरीके से आपको जो है न्यूक्लियस नज़र आएंगे। देन अगेन और टेम्परेचर डिक्रीज किया हमने, इस तरीके का नज़र आएगा। जब हम रूम टेम्परेचर पे पहुँचेंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नज़र आएगा, वहाँ पर न्यूक्लियाई टोटली फॉर्म हो जाएंगे। अब ये न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे पियरलेटिक स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि पर्लाइट जो होता है वो इस तरीके से उसका माइक्रोस्ट्रक्चर होता है। यू विल गेट द कैंडल बार्स, एक वाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, इस तरीके से अल्टरनेट वन आफ्टर अनदर जो है आपको अलग अलग कैंडल बार्स नज़र आ सकते हैं। और इसमें जो वाइट कलर है वो फेराइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लैक कलर है वो सीमेंटाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को या फिर ये जो स्ट्रक्चर हमको नज़र आ रहा है माइक्रोस्ट्रक्चर, इस माइक्रोस्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम लोग पियरलाइट। और इस डायग्राम में भी आपको पियरलाइट किस तरीके से फॉर्म होता है वो बताया जा रहा है, इसको फॉर्मेशन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। सो एज वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर, द न्यूक्लियस विल स्टार्ट फॉर्मिंग देमसेल्फ एंड यू विल गेट द सॉलिड स्टेट और सॉलिड मटेरियल एट द रूम टेम्परेचर। नाउ कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट of the today's lecture, that is hypoeutectoid and hyper-eutectoid. अब इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे hypoeutectoid और hyper-eutectoid बताया गया है, yes. अब यहाँ पे अगर इस रीजन में आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है hypoeutectoid and hyper-eutectoid in case of steels.
0.008% से लेकर 0.8% तक का जो रीजन है उसको क्या बोला जा रहा है, हाइपोयूटेक्रॉइड बोला जा रहा है। एंड 0.8% से लेकर 2% तक का जो रीजन है उसको क्या बोला जा रहा है, हाइपरयूटेक्रॉइड बोला जा रहा है। अब क्यों बोला जा रहा है वो देखते हैं हम लोग। हाइपो का जो मतलब होता है वो होता है लेस देन या लेस क्वांटिटी। क्या होता है हाइपो का मतलब क्या है, लेस, और हाइपर का मतलब क्या है, मोर। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस डायग्राम के अंदर, इन दिस डायग्राम पर्टिकुलरली 0.008% to 0.8% इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन और लेसर क्वांटिटी ऑफ कार्बन। यहाँ पे क्या है, लेस क्वांटिटी है कार्बन की, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाइपो बोल रहे हैं। द स्टील्स हैविंग लेस देन 0.8% कार्बन आर कॉल्ड हाइपोयूटेक्रॉइड स्टील्स, वेयर हाइपो मीन लेस देन। कंसिडर द कूलिंग ऑफ अ टिपिकल हाइपोयूटेक्रॉइड अलॉय अलॉन्ग विद द लाइन YY। एट हाई टेम्परेचर द मटीरियल इज एंटायरली इन द ऑस्टेनेटिक स्टेज। अपॉन कूलिंग इट enters अ रीजन वेयर द स्टेबल phases आर ferrite एंड austenite। द लो कार्बन ferrite nucleus एंड grows, लीविंग द remaining austenite richer इन द कार्बन। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो हाइयर टेम्परेचर में क्या है, ये ऑस्टेनेटिक स्टेज में हाइपोयूटेक्रॉइड, यहाँ तक शुरुआत से लेकर ई तक की, ठीक है, अप टू द पॉइंट ई, यहाँ तक क्या है आपका हाइपोयूटेक्रॉइड रीजन। सो बेसिकली एट द एलिवेटेड टेम्परेचर इट इज इन द ऑस्टेनेटिक स्टेज एट इन दिस रीजन। इफ यू कैन सी माय कर्सर इन दिस रीजन you will find the hypoeutectoid cells in the austenitic stage or austenitic phase. As we will decrease the temperature of the steel, then it will transform into alpha ferrite. जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसका temperature decrease करते जाएंगे, temperature कम करते जाएंगे, slow कूलिंग करते जाएंगे उसकी, वैसे वैसे उसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑस्टेनाइट का अल्फा फेराइट के अंदर। नॉट ओनली इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑस्टेनाइट टू अल्फा फेराइट, बट ऑल्सो इट विल क्रिएट द पेयरलाइटिक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज पेयरलाइट, पेयरलाइट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा फेराइट एंड सेमेंटाइट। और किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको वहां पर मिलेगा, माइक्रोस्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का माइक्रोस्ट्रक्चर वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। और न्यूक्लियाई भी फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियाई का भी जो है उसके अंदर फॉर्मेशन होगा साथ ही साथ। देन आते हैं सेकेंड हाफ पार्ट के ऊपर जो है हमारा हाइपोयूटेक्रॉइड। तो इस आयरन कार्बन डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो ये हाइपोयूटेक्रॉइड का रीजन यहाँ पे है, इस ये वाला रीजन है। सो एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड द रिमेनिंग ऑस्टेनाइट विल हैव अज्यूम्ड द यूटेक्रॉइड कंपोजिशन 0.8% कार्बन एंड फर्दर कूलिंग ट्रांसफॉर्म इज टू द पियरलाइट। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी और प्रो यूटेक्रॉइड फेराइट, फेराइट दैट फॉर्म्स बिफोर द यूटेक्रॉइड रिएक्शन एंड रीजन्स ऑफ द पियरलाइट। सो यहाँ पे ऑस्टेनाइट कहाँ पर है, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको ऑस्टेनेटिक स्टेज मिलेगा। जहाँ जैसे जैसे हम 1450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे आते जाएंगे तो सबसे पहले 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको जो है थोड़ा सा अलग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर कॉम्बिनेशन रहेगा अल्फा फेराइट और ऑस्टेनाइट का। फर्दर अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे टिल द लाइन A1, दैट इज योर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लाइन विच इज 723 डिग्री सेंटीग्रेड। At this temperature, nucleus will form or pyritic structure will form below 723 degree centigrade. उसके नीचे जैसे आते जाएंगे वैसे क्या होगा, आपको सॉलिड जो है मटेरियल वहाँ पर मिलता जाएगा, सॉलिड स्ट्रक्चर वहाँ पर मिलता जाएगा।
देन सेकेंड हाफ जो पोर्शन है वो हमारा है हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। इस डायग्राम में जैसा आप देख पा रहे हो 0.8% से लेकर 2% तक का जो रीजन है वो क्या है आपका हाइपर यूटेक्टॉइड है। और यहाँ पर हाइपो का मतलब है मोर, जैसा हाइपो का मतलब क्या है लेस है, उसी तरीके से हाइपो का मतलब क्या है यहाँ पर मोर है ज़्यादा। अब यहाँ पर जो है कार्बन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज हाइपर यूटेक्टॉइड। सो द हाइपर मीन्स ग्रेटर देन आर दोज दैट कंटेंस मोर द यूटेक्टॉइड अमाउंट ऑफ रिएक्शन और कार्बन। सच स्टील कूल्स एज कूलिंग लाइन जेड जेड। द प्रोसेस इज सिमिलर टू द हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील एक्सेप्ट दैट प्राइमरी और प्रो यूटेक्टॉइड फेज इज नाउ सेमेंटाइट इंस्टेड ऑफ फेराइट। तो अब यहाँ पे जो है इस रीजन में अभी देखो ये लाइन ई से लेकर ये लाइन एफ, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे आधे में फिनिश हो गई ना, इसको हम नाम देते हैं एफ। सो लाइन ई से लेकर लाइन एफ तक का जो रीजन है वो क्या है आपका हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस रीजन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ऑस्टेनाइट देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑस्टेनाइट के साथ साथ पियरलाइट और सीमेंटाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अल्फा फेराइट अब्सेंट रहेगा, अल्फा फेराइट यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। इंस्टेड ऑफ अल्फा फेराइट यू विल गेट द सीमेंटाइट। पियरलाइट तो कॉमन है दोनों में, हाइपो यूटेक्टाइड में भी पियरलाइट मिलेगा आपको, हाइपर यूटेक्टाइड में भी पियरलाइट मिलेगा आपको, बट इन केस ऑफ हाइपो यूटेक्टाइड अलॉन्ग विद द पियरलाइट यू विल गेट अल्फा फेराइट, बट इन केस ऑफ हाइपर यूटेक्टाइड यू विल गेट सीमेंटाइट अलॉन्ग विद द पियरलाइट। एज द कार्बन रिच फेज न्यूक्लिएट्स एंड ग्रोज द रिमेनिंग ऑस्टेनाइट डिक्रीजेस इन कार्बन कंटेंट अगेन रीचिंग द यूटेक्टॉइड कंपोजिशन एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म्स टू पियरलाइट अपॉन स्लो कूलिंग थ्रू द यूटेक्टॉइड टेम्परेचर। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सीमेंटाइट एंड पियरलाइट। द कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ प्राइमरी सीमेंटाइट विल कॉज द मटीरियल टू बी एक्सट्रीमली ब्रिटल। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सीमेंटाइट जो है सीमेंटाइट ब्रिटलनेस को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे सीमेंटाइट आ गया है इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे है, प्रॉपर्टीज है आपके पास हार्ड है मटेरियल, हार्डनेस उसमें ज़्यादा है, टफनेस उसमें ज़्यादा है, वियर रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा है, और अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा ही है तो ब्रिटलनेस भी रहेगी उसके अंदर। बट इन द हाइपर यूटेक्टॉइड रीजन हार्डनेस तो है उसमें बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि मटेरियल जो है वो ब्रिटल हो जाए। बट एज कम्पेयर विद द हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स आर मोर हार्डर। हार्डनेस जो है हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील्स में ज़्यादा मिलेगी आपको एज कम्पेयर विद द हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील्स। The continuous network of primary cementite will cause the material to be extremely brittle. अगर यहाँ से और हम इसमें सीमेंटिटिक या फिर proportion जो है cementite का इसमें अगर बढ़ा देंगे so ये hardness will get replaced by brittleness. But practically below 2% जो रहता है उसमें brittleness बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है practically. क्योंकि 2% कार्बन ब्रिटल नहीं बना सकता है आपके मटेरियल को, ये आयरन को। नाउ हाइपो यूटेक्टॉइड जो रहेगा उसका इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा हाइपो यूटेक्टॉइड का, ये वाला रीजन का, जिसकी जो रेंज है कार्बन परसेंटेज की वो 0.008% से लेकर 0.8% के बीच में, उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से नजर आएगा। हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील शोइंग प्राइमरी सीमेंटाइट अलॉन्ग विथ ग्रेन बाउंड पियरलाइट। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट द ट्रांजिशन एज डिस्कस्ड आर फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस एज अ रिजल्ट ऑफ स्लो कूलिंग।
ये जितनी भी डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये सारे कंडीशंस कब हमको मिलेंगे, जब जो कूलिंग हो रही है लिक्विड स्टेट से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए जो कूलिंग परफॉर्म की जा रही है वो स्लो कूलिंग रहेगी, तो ये सारे कंडीशंस या ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। अगर आप रैपिड कूलिंग करते हैं या फास्ट कूलिंग करते हैं, इन दैट केस वी विल नॉट गेट दीज सिचुएशंस और दीज कंडीशंस, आपको कुछ और ही चीज़ मिलेगी एंड दैट इज़ नॉट डिजायरेबल। वैसे कंडीशंस या वैसे सिचुएशन हमको चाहिए भी नहीं। व्हाट डू वी वांट? वी वांट स्लो कूलिंग सो दैट वी कैन गेट all these conditions or all these different structures which will result in the better quality of the material or of the component। अगर इस तरीके की slow cooling हम करेंगे और इस तरीके के सारे different structures अगर हमको मिलते हैं तो वो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ऐसे होगा कि आपका जो material आपको मिल रहा है, that material possesses the good mechanical, physical, chemical and thermal properties। सारे चीज़ें जो है, सारे properties उसमें अच्छे रहेंगे और वही हमको चाहिए। वही अगर हम इसकी फास्ट रैपिड कूलिंग करते हैं तो ये सारे conditions या ये सारे जो है structures आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, कुछ और ही मिलेगा, unexpectedly कुछ और ही मिलेगा जिसको हम predict भी नहीं कर सकते। और उसी की वजह से जो प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे, चाहे वो मैकेनिकल रहने दो, केमिकल रहने दो या थर्मल रहने दो, वो सारे प्रॉपर्टीज भी अनडिजायरेबल रहेगी, अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, पुअर प्रॉपर्टीज मिलेंगी हमको। गेटिंग इट? यस। अपॉन स्लो हीटिंग द ट्रांजिशन विल ऑकर द रिवर्स मैनर। तो जैसा आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम हीटिंग करते हैं मटेरियल को लिक्विडिफाई करने के लिए या मटेरियल को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, अच्छा लिक्विड स्टेट में क्यों लाते हैं हम लोग? जब भी हमको अलॉय बनाना होता है तो सबसे पहला जो स्टेप है उसका, सबसे पहली जो सीढ़ी है उसकी, वो क्या करना पड़ेगा हमको? पहले उसको हीट करके लिक्विड स्टेट में लेकर आना पड़ेगा, तभी हम अलॉय बना सकते हैं। दो मटेरियल से या दो मेटल्स है आपके पास और सॉलिड स्टेट में है रूम टेम्परेचर के ऊपर, आप चाहते हो उसका अलॉय बनाना है, तो वो सॉलिड स्टेट में या रूम टेम्परेचर पे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अलॉय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों मेटल्स को लिक्विड स्टेट में लेकर जाना पड़ेगा और लिक्विड स्टेट में लेकर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ेगा और वो जो हीटिंग होनी चाहिए वो स्लो हीटिंग होनी चाहिए। देन ओनली यू विल गेट the right properties or the desirable properties। हाँ, जब हम उसको स्टील को लेकर चले गए अभी, उसके बाद जो इसके इंग्रेडिएंट्स थे, जो अलॉयिंग एलिमेंट्स थे, वो हमने ऐड कर लिया उसके अंदर, और ऐड करने के बाद क्या कर रहे हैं हम उसको अभी? सॉलिडिफाई करना है, कंपोनेंट को जो है फाइनल शेप देना है, जस्ट रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आना है, सॉलिड स्टेट में लेकर आना है। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? उसको कूल डाउन करेंगे, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, ये डिक्रीमेंट भी स्लो स्लो होना चाहिए। स्लो हीटिंग प्लस स्लो स्लो कूलिंग विल रिजल्ट इन द बेटर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। फास्ट हीटिंग और रैपिड हीटिंग, फास्ट कूलिंग और रैपिड कूलिंग विल रिजल्ट इन द पुअर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ये एक जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके माइंड में इसको स्टोर करके रख लो फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। व्हेन द अलॉयज आर कूल्ड रैपिडली एंटायरली डिफरेंट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड सिंस द सफिशिएंट टाइम मे नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर द नॉर्मल फेज रिएक्शन टू ऑकर। This is the point what I am discussing about। कि अगर आप फास्ट कूलिंग करते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको किस तरीके के प्रॉपर्टीज वहां पे मिलेंगे। फिर
अनएक्सपेक्टेड कुछ नई चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज रहेंगे जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, और वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज से काफ़ी दूर रहेंगे, जो जिस तरीके की प्रॉपर्टीज हमको डिजायर थी, जिस तरीके की प्रॉपर्टीज हमको चाहिए थी, उससे काफ़ी दूर रहेंगे अगर आप रैपिड कूलिंग करते हैं तो। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल्स को या उसके अंदर के जो आइटम्स है उनको सेटल डाउन होने के लिए सफिशियंट टाइम नहीं मिल पाता है अगर आप रैपिड कूलिंग करते हैं तो, जिसकी वजह से जो पार्टिकल या जो क्रिस्टल जिस पोजीशन में है, जहाँ पे है, जिस सिचुएशन में है, वो वहीं पे सॉलिडिफाई होने की कोशिश करता है या फिर वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर बॉन्डिंग उसके आसपास के क्रिस्टल्स के साथ, आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बन पाती है। सो दैट आपको जो प्रॉपर्टीज मिलते हैं वो पुअर मिलते हैं। इन दीज केसेस द इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम इज नो लॉन्गर अ वैलिड टूल फॉर इंजीनियरिंग एनालिसिस। अगर आप रैपिड कूलिंग करते हैं या रैपिड हीटिंग करते हैं तो ये जो डायग्राम है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, ये आपको कुछ फायदे की नहीं है, आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगा इस डायग्राम का। बेनिफिशियल कब है ये डायग्राम? जब आप स्लो कूलिंग कर रहे हैं और स्लो हीटिंग कर रहे हैं। इन दैट केस ओनली दिस डायग्राम विल बी हेल्पफुल फॉर यू, अदरवाइज दिस डायग्राम विल हैव नो मीनिंग इफ यू विल ऑप्ट फॉर रैपिड कूलिंग और रैपिड हीटिंग। जैसा कि इस डायग्राम में ही लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम। अब इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम किसको बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना है उसको, धीरे धीरे, मतलब सेटल डाउन होना है प्रॉपर, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, पार्टिकल्स के ऊपर, आइटम्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो अपने आप से सेटल डाउन होना चाहिए। रैपिड कूल प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट इन द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील एंड अदर मेटल्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रैपिड कूल को बिल्कुल 100% हम लोग अवॉइड करते हैं, कुछ सिचुएशन में रैपिड कूलिंग भी की जाती है, जिसको मैंने एक नाम बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, क्वेंचिंग कहा जाता है। तो क्वेंचिंग किस तरीके से होती है वो हमको पढ़ना है, आपका जो चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, उसके अंदर क्वेंचिंग के अलग अलग मीडियम्स होते हैं। तो कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग रैपिड कूलिंग को अवॉइड ही करते हैं, 0% उसको जो है प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे उसको यूज़ भी किया जाता है, बट बहुत लिमिटेड जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है उसको, जिसकी वजह से आपका जो कंपोनेंट है आफ्टर क्वेंचिंग प्रोसेस, इट विल बिकम वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। बट इन मोस्ट ऑफ केसेस और इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 90-95% के जो एप्लीकेशन है वहाँ पर स्लो कूलिंग और स्लो हीटिंग की जाती है। जो स्पेशल एप्लीकेशन है, जो स्पेशल पर्पज कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ 5% या बिलो 5% वाले सिचुएशंस में या कंडीशंस में ही सिर्फ रैपिड कूलिंग को ऑप्ट किया जाता है या प्रेफर किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, अलग अलग जो फेजेज हैं हमारे पास, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, उनमें किस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकती है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे फेराइट के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वाला क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, डक्टाइल रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी उसमें, और परसेंटेज ऑफ एलॉन्गेशन उसमें हाइएस्ट रहेगा अल्फा फेराइट के अंदर। फिर उसके बाद सेकंड टाइप अगर हम देखते हैं यहाँ पे फेस का, जो कि ऑस्टेनाइट है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। सॉफ्टनेस एज कम्पेयर विद द फेराइट, थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस कम रहेगी, मॉडरेट स्ट्रेंथ रहेगी, स्ट्रेंथ भी मीडियम रहेगी इसके अंदर,
और ये नॉन मैग्नेटिक रहेगा। क्यों नॉन मैग्नेटिक रहेगा? क्योंकि ऑस्टेनाइट का जो फेज होता है वो अबाउ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के हमको मिल पाता है, दैट इज अबाउ 723 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको ये ऑस्टेनाइट वाला फेज मिलता है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर वाला जोन है। इस वजह से यहाँ पे आपको नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलते हैं। फिर आते हैं सेमेंटाइट के ऊपर। सो सेमेंटाइट, व्हाट इज सेमेंटाइट? सेमेंटाइट इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन, Fe3C। अब यहाँ पे सेमेंटाइट में जो है कार्बन का जो प्रोपोर्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर विद द फेराइट एंड ऑस्टेनाइट। फेराइट और ऑस्टेनाइट के कंपेरेटिवली सेमेंटाइट के अंदर कार्बन का जो प्रोपोर्शन रहेगा या कार्बन का जो परसेंटेज रहेगा वो ज्यादा रहेगा। That is why it is hard and brittle. Then, जो next topic है वो है हमारा effect of alloying element in the steels. So, alloying element का effect समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको alloy का definition बताना चाहूँगा कि अलॉय किसे कहा जाता है। अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आइदर टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल। अलॉय क्यों बनाते हैं हम लोग? टू अचीव सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों चाहिए हमको? इस तरीके की प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रॉपर्टीज क्यों चाहिए? क्योंकि जो एप्लीकेशन होता है जहाँ पे वो कंपोनेंट यूज होने वाला है उसके ऊपर, उस कंपोनेंट के ऊपर किस टाइप के फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, किस टाइप के फोर्सेस अप्लाई होने वाले हैं, उसके हिसाब से हमारा क्या रहता है, एप्लीकेशन यहाँ पे डिफाइन होता है। या उस मटेरियल में या उस कंपोनेंट में किस तरीके के प्रॉपर्टीज हमको चाहिए वो डिपेंड करता है कि उस कंपोनेंट के ऊपर किस तरीके के फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, वो किन सिचुएशन से कंपोनेंट गुजरने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं उसके जो पेपर्स होते हैं वो प्लास्टिक कोटेड होते हैं। सो उसको ऐसे क्यों बनाया है, प्लास्टिक कोटेड वाला क्यों बनाया है? और आपके जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर के जो पेजेस है वो सादे वाले पेजेस क्यों हैं, प्लास्टिक कोटेड क्यों नहीं है? तो अब यहाँ पे जो मैगजीन्स है वो मैगजीन्स नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से डिजाइन की गई है, मतलब ज़्यादा लोग उसको देखना चाहिए, लुक उसका अच्छा होना चाहिए, शाइनिंग उसमें होनी चाहिए, अट्रैक्टिवनेस उसमें होना चाहिए, कलर शार्पनेस उसके अंदर होनी चाहिए। इन शॉर्ट उसके एस्थेटिक्स अच्छे होने चाहिए, इसके हिसाब से मैगजीन को प्रिंट किया जाता है। जबकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो प्राइस के अकॉर्डिंगली आप प्रिंट की जाती है या बनाई जाती है। अगर प्लास्टिक कोटेड वाले पेजेस अगर आपके टेक्स्ट बुक पर लगा देंगे तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी आपके टेक्स्ट बुक की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, जो स्टूडेंट्स को अफोर्ड कर पाना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इन केस ऑफ द टेक्स्ट बुक एस्थेटिक्स या लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, कंटेंट। आप क्या दे रहे हो बुक के अंदर, कंटेंट क्या है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स लुक्स। बट इन केस ऑफ द मैगजीन कंटेंट है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करना। मैगजीन्स आमतौर पर ब्राउचर्स या मैगजीन्स जो है आमतौर पर किस चीज़ की बनाई जाती है, कोई भी चीज़ जो बेचनी है प्रोडक्ट्स की बनाई जाती है, जो चीज़ को सेल आउट करना है। और वो मैगजीन्स किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट की तरफ, उसके लिए जो है मैगजीन्स बनाई जा रही है, उसके अंदर फुल स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है। सो कस्टमर उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो उसके लिए उसको उसके लुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो मैं एग्जांपल देके आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे एप्लीकेशन चेंज हो गया उसका, जैसे यूज़ उसका चेंज हो गया, वैसे उसकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई, उसकी कॉस्टिंग भी चेंज हो गई, उसके लुक्स भी चेंज हो गए, इन शॉर्ट उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो गए।
और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, आपका अगर मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को वाटर रेजिस्टेंट या वाटर रेजिलेंट नहीं अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। जब भी आप बारिश में भीग जाते हैं, अब आमतौर पे क्या होता है, कोई इंसान अपने से लेकर जाकर पानी के अंदर तो नहीं डालेगा, वाटर बकेट के अंदर तो मोबाइल को नहीं डालेगा, बाई मिस्टेक कभी गिर जाता है, या फिर जब रेनी सीजन होता है तो इनकेस कभी जो है वो बारिश में भीग जाता है, उस कंडीशन में जो वाटर रेजिलेंट या वाटर रेजिस्टेंट वाली जो प्रॉपर्टी आपके मोबाइल की वो काम में आती है, इस वजह से आपका मोबाइल ख़राब नहीं होता है। अगर वाटर रेजिस्टेंट नहीं बनाते तो उसको क्या होता, हमारा मोबाइल फ़ौरन ही ख़राब हो जाता। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ है, आपके किस कंपोनेंट में क्या प्रॉपर्टी आपको चाहिए, ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि मोबाइल कहाँ कहाँ जाने वाला, किन किन सिचुएशंस में मोबाइल रह सकता है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर फीचर्स डाले गए। सो एल्युमिनियम की अगर हम बात करेंगे, मेटल्स की अगर हम आते हैं, मेटल्स की एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो एल्युमिनियम के अंदर क्या है, वो लाइट वेट मटीरियल है। एज कम्पेयर विद द आयरन स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, सो एज कम्पेयर विद द आयरन एल्युमिनियम की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम रहेगी, बट वेट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो प्रोपोर्शन है उसका, वेट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, वो बहुत कम होता है इसका, एल्युमिनियम का लाइट वेट मटीरियल है। उसी के साथ साथ एल्युमिनियम के अंदर ठीक ठाक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी भी पाई जाती है, बट एज कम्पेयर विद द कॉपर एल्युमिनियम की जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम है। अब हमको जहाँ पे भी लाइट वेट मटीरियल बनाना है विथ सफिशियंट स्ट्रेंथ, इन दैट एप्लीकेशन वी कैन यूज द एल्युमिनियम, और सिर्फ एल्युमिनियम इस्तेमाल नहीं होगा, एल्युमिनियम के साथ साथ हम दूसरे अलॉयिंग एलिमेंट भी इस्तेमाल करेंगे जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग गोल्ड का। गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो ज्वेलरीज होती है, वो प्योर गोल्ड की बनी हुई नहीं होती है, गोल्ड के साथ साथ वहाँ पे कॉपर भी ऐड किया जाता है, और उसकी प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए कैरेट्स का जो यहाँ पे डिजिग्नेशन दिया हुआ है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, जो डिफाइन करता है कि उसके अंदर गोल्ड कितने क्वांटिटी में है और दूसरे अलॉयिंग एलिमेंट या कॉपर कितने परसेंट पे है या कितने प्रोपोर्शन में है। अच्छा, क्यों मिलाते हैं उसके साथ कॉपर को? बिकॉज गोल्ड इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। अगर प्योर गोल्ड के कोई ऑर्नामेंट्स उसमें बनाए जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसका शेप बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, मतलब छोटी मोटी भी इसके ऊपर फोर्स लग जाती है या जोर से हाथ लग जाएगा हमारा तो वो बेंड हो जाएगा, उसका ओरिजिनल शेप से वो चेंज हो जाएगा। सो टू प्रोवाइड सफिशेंट स्ट्रेंथ टू द गोल्ड वी आर एडिंग कॉपर इन इट। कॉपर क्यों ऐड किया जा रहा है उसमें, ताकि थोड़ी सी इसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके, थोड़ी सी उसके शेप के अंदर स्टेबिलिटी लाई जा सके। अब उसी तरीके से यहां पे एक लिस्ट बताई गई है जिसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स के अंदर क्या डोमिनेंट प्रॉपर्टी है, कौन सी डोमिनेंट प्रॉपर्टी है उसको दिखाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट को, तो एल्युमिनियम हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है, जिसको अगर हम स्टील के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो 0.95% से लेकर 1.30% के रेंज में इसको ऐड किया जाता है स्टील के साथ एल्युमिनियम को। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो अलॉयिंग एलिमेंट नाइट्राइडिंग स्टील, अगेन नाइट्राइडिंग साइनाइडिंग वगैरह मैं आपको बताऊंगा, ये भी जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक टाइप है, नाइट्राइडिंग साइनाइडिंग, ठीक है, तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे।
ये जो प्रॉपर्टीज, ये जो सारी चीज़ें की जाती है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करने के लिए करते हैं। ये जो हीट ट्रीटमेंट किया जा रहा है या नाइट्राइडिंग वगैरह है, साइनाइडिंग है, कार्बोराइजिंग है, तो ये सारी चीज़ें किस लिए किए जाते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए। सो इस चीज़ में क्या करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम के जो एलिमेंट्स है इसको स्टील के सरफेस के ऊपर हम ऐड करते हैं। कितने प्रोपोर्शन में इस एल्यूमिनियम को ऐड किया जाता है? 0.95 से लेकर 1.30% के बीच में। देन जो सेकेंड अलॉयिंग एलिमेंट है वो है बिस्मिथ, वो भी अगेन सेम यही प्रोपोर्शन में रहेगा, 0.95 से लेकर 1.30% के बीच में। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है बिस्मिथ का वो है मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करना, आसानी से मशीनिंग कर पाना, ये बिस्मिथ का प्राइमरी फंक्शन है। तो व्हाट इज मशीनेबिलिटी? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द मशीनेबिलिटी। वंस अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ मशीनेबिलिटी, लिसन केयरफुली। Machinability is defined as the ease with which we can transform or we can convert the raw material into finished product. It is called as machinability. And here in this example, bismuth is used to increase the machinability of steel. Our third element or alloying element of steel is boron, 0.001% से लेकर 0.003% के रेंज में इसको ऐड किया जाता है, बोरॉन को स्टील के अंदर। क्यों ऐड किया जाता है, क्या प्राइमरी फंक्शन है बोरॉन का? हार्डनेस को इंक्रीज करना या फिर हार्डनेबिलिटी एजेंट के तौर पे काम करना, टू एक्ट एज अ हार्डनेबिलिटी एजेंट, हार्डनेस को बढ़ाना। देन फोर्थ जो अलॉयिंग एलिमेंट है वो है हमारा क्रोमियम, इसको अलग अलग रेंजेस में ऐड किया जाता है स्टील के अंदर, 0.5 से लेकर 2% के बीच में अगर हम क्रोमियम को ऐड कर रहे हैं वो हार्डनेस को इंक्रीज करने के काम आता है, और 4% से लेकर 18% तक अगर हम उसमें ऐड करें तो कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टेनलेस स्टील का, और आपको बोला था कि स्टील के साथ साथ क्रोमियम और निकल को ऐड किया जाता है स्टेनलेस बनाने के लिए, स्टील को स्टेनलेस बनाने के लिए, स्टील का जो सरफेस है वो शाइनी बनाने के लिए, स्टील को हाई टेम्परेचर रेजिलेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम 0.5 से लेकर 2% के बीच में अगर क्रोमियम को ऐड कर रहे हैं स्टील के अंदर, तो उसका जो मेन फंक्शन रहेगा या मेन पर्पज रहेगा वो हार्डनेस को इंक्रीज करना रहेगा, या फिर सेम क्रोमियम को अगर हम 4% से लेकर 18% तक ऐड कर रहे हैं स्टील के अंदर, तो उसका जो फंक्शन रहेगा वो कोरोजन को रेजिस्ट करना रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे कॉपर को भी ऐड किया जाता है स्टील के अंदर, 0.1% से लेकर 0.4% के रेंज में। अगेन इसका भी जो प्राइमरी फंक्शन है, कॉपर का भी जो प्राइमरी फंक्शन है वो है कोरोजन की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना या कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना। नेक्स्ट अलॉयिंग एलिमेंट है हमारा लीड, जिसको भी 0.1% से लेकर 0.4% के रेंज में ऐड किया जाता है, और लीड भी मशीनेबिलिटी इंक्रीज करने का काम में आता है या रोल प्ले करता है। देन उसके बाद आता है मैग्नीज, जिसको 0.25 से लेकर 0.4% के रेंज में अगर हम ऐड करते हैं सल्फर के साथ, इसको ऐड किया जाता है तो ये ब्रिटलनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए या ब्रिटलनेस को प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल रहता है।
वही अगर हम सेम मैग्नेज को 1% से ज़्यादा ऐड करते हैं स्टील के अंदर, तो इसका रोल वहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या रोल हो जाएगा उसका? इट इंक्रीजेज द हार्डनेबिलिटी बाय लोअरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट एंड कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू बी स्लगिश। तो यहाँ पे क्या करेगा ये मैग्नेज, अगर 1% से ज़्यादा अगर ऐड कर देते हैं हम स्टील के अंदर, सो हार्डनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिक्विड से सॉलिड तक का, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो धीमा कर देगा, स्लो कर देगा। और स्लगिश होगा ये, स्लगिश मतलब क्या है, इसमें फोम क्रिएट होगा। जैसा कि मैंने आपको कपोला फर्नेस का एग्जांपल दिया था, कपोला फर्नेस इज यूज टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द रॉ मटेरियल और द मटेरियल विच कम्स फ्रॉम द आयरन ओर। आयरन ओर से जो मटेरियल हमारे पास आता है, जो रॉ फॉर्म में होता है, उसमें से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए कपोला फर्नेस का यूज किया जाता है। और उसमें जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो झाग के फॉर्म में या फोम के फॉर्म में ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, और जो आयरन रहेगा वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नीचे के हिस्से में चला जाएगा। इस तरीके से हम दो आउटलेट, एक ऊपर के पोर्शन में लगाकर और एक नीचे के पोर्शन में लगाकर इम्प्यूरिटीज को और रॉ मटेरियल को सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम मैग्नीज को 1% से ज़्यादा ऐड करते हैं तो वो हार्डनेस को इंक्रीज करने का काम तो करता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लिक्विड से लेकर सॉलिड तक का, उसको उसकी स्पीड को धीमा कर देगा और उसमें फोम भी क्रिएट करने लगेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट अलॉन्ग एलिमेंट पर आ जाते हैं, वो है मोलिब्डेनम, जो 0.2% से लेकर 5% के रेंज में ऐड किया जा सकता है स्टील के साथ, जो स्टेबल कार्बाइड फॉर्म करने का काम करता है। उसी के साथ साथ इनहिबिट ग्रेन ग्रोथ, ठीक है, ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। देन उसी के बाद नेक्स्ट जो अलॉन्ग एलिमेंट है वो है निकल, जो 2% से लेकर 5% के रेंज में ऐड किया जाता है टफनेस को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर इसी निकल को हम 12% से लेकर 20% के रेंज में ऐड करते हैं तो वो कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम स्टील के साथ साथ क्रोमियम और निकल को ऐड करते हैं तो आपका जो मटेरियल, आपका जो आउटपुट मिलेगा वो कोरोजन रेजिस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसी के साथ साथ उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी। कोरोजन रेजिस्टेंस के साथ साथ वो क्या रहेगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ या हार्डनेस भी ज़्यादा आपको मिलेगी, जो स्टेनलेस स्टील के तौर पे प्रोडक्ट आपको मिलता है। सो स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ स्टील प्लस क्रोमियम प्लस निकल। नाउ कम टू द नेक्स्ट अलॉइंग एलिमेंट ऑफ द स्टील, दैट इज सिलिकॉन। अगेन सिलिकॉन इज बीन एडेड इन द रेंज ऑफ 0.2% टू 0.7%, विच हेल्प्स टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। इफ द सेम सिलिकॉन इज एडेड इन 2% क्वांटिटी, देन इट विल हेल्प द स्प्रिंग स्टील्स रेजिलेंस को इंक्रीज करने का काम करेगा यहाँ पे सिलिकॉन स्प्रिंग स्टील्स के अंदर। वही सिलिकॉन को अगर हम हायर परसेंटेज में अगर ऐड करते हैं सो इट इम्प्रूव्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द स्टील्स। 2% से ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रोपोर्शन में अगर हम सिलिकॉन ऐड करते हैं स्टील्स में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे स्टील्स में। नेक्स्ट अलॉन्ग एलिमेंट है सल्फर। अगर हम सल्फर ऐड करते हैं स्टील के अंदर 0.08% से लेकर 0.15% के रेंज में, सो फ्री मशीनिंग प्रॉपर्टीज फिक्सेस कार्बन इन इनर्ट पार्टिकल्स, रिड्यूसेस
अगर हम सल्फर ऐड कर रहे हैं 0.08% से लेकर 0.15% के रेंज में, सो इट विल इंक्रीज इट्स मशीनिंग प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट अलॉन्ग एलिमेंट हमारा टाइटेनियम, जो कि अगेन सेम रेंज में 0.08 से लेकर 0.15 रेंज में अगर हम ऐड करते हैं, सो इट विल फिक्स द कार्बन इन इनर्ट पार्टिकल्स। इनर्ट एटमॉस्फेयर में अगर हम डाल देते हैं मटेरियल को, तो कार्बन को क्या करेगा, कार्बन पार्टिकल्स को क्या करेगा, फिक्स करेगा, ये टाइटेनियम हेल्प करेगा कार्बन पार्टिकल्स को फिक्स करने में। रिड्यूसेस द मार्टेनसिटिक हार्डनेस इन द क्रोमियम स्टील। देन नेक्स्ट जो अलॉयिंग एलिमेंट है वो है टंगस्टन, अगेन उसकी भी जो रेंज होती है 0.08 से लेकर 0.15 के बीच में होती है। हार्डनेस एट द हायर टेम्परेचर, हार्डनेस इंप्रूव करने का काम करेगा हायर एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर। अब ये टंगस्टन कहाँ देखने को मिल सकता है, जो पुराने वाले जो बल्ब आते हैं ना आपके, पुराने वाले बल्ब जो 40 वैट 60 वैट 100 वैट वाले जो बल्ब आया करते थे, पुराने वाले गोल वाले ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले, तो उसके अंदर जो वायर यूज़ होता है, जो मटेरियल यूज़ होता है, वो टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन हाई टेम्परेचर एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी जो है बने रहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर टंगस्टन का बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा एप्लीकेशन है स्टील्स का जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर तक पहुँच जाता है हमारा कंपोनेंट, तो उन जगहों पे टंगस्टन को ऐड किया जाता है स्टील्स के साथ साथ। नेक्स्ट जो अलॉयिंग एलिमेंट है वो है वैनेडियम, जो 0.15% के रेंज में ऐड किया जाता है, विच प्रोवाइड द स्टेबल कार्बाइड इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ वाइल रिटेनिंग डक्टिलिटी प्रोमोट्स फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ओके, सो लाइकवाइज दीज अलॉयिंग एलिमेंट्स प्लेस द इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द अलॉयज अलॉन्ग विद द स्टील।